बनाना चाहिए हमें लिप्स के जो ना डिफरेंट शेप्स, उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए अगर आपके बारीक लिप्स हैं तो उनको आपने अगर चौड़ा करना है ठीक है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन ना बनाए कि साफ नजर आए कि आपने कुछ किया करने की कोशिश की है। ठीक है, सो इट हैज टू गो नेचुरली। और वो क्या तरीका है? उसकी फिलिंग करना जो है वो बहुत जरूरी होता जैसे है। जैसे इनके बारीक लिप्स अभी बने हुए हैं, हमने अभी हमने ये किया है कि इनके लिप्स के ऊपर एक, अब मैंने आपसे कहना है कि इसी लिप को मुझे थोड़ा सा एनहांस एनहांस करना है। ठीक है, अच्छा हमने नीचे लिप प्राइमर लगाया, ठीक है, लिप बेस लगा सकते हैं आप, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, ठीक है, आपका बजट जिस चीज की इजाजत है, ठीक है, प्राइमर एक्सपेंसिव होते हैं, लिप बाम आपको आराम से मिल जाएगा, आप कोई मॉइस्चराइजर लगा लीजिए सो देट आपके लिप्स पेट्रोलियम जेली लगा लीजिए हल्का सा लगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप मैट लिपस्टिक लगा रहे हैं ठीक है, जो कि ड्राई इफेक्ट देगी, जैसे कि आज मैंने लगाई हुई है और कितनी अच्छी लग रही है, थैंक यू, तो फिर आपको नीचे जरूरी है कि आप थोड़ा सा उसके नीचे मॉइस्चराइज करें, तो नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूं, क्योंकि जो मैट लिपस्टिक्स होती है वो स्टे ऑन करती है, ठीक है, और अगर लॉन्ग लास्टिंग मैट लिपस्टिक है तो उसमें फिर आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर इसको आप बहुत थिक लगाएंगे तो वो लाइनें बन जाएंगी। ओके, ठीक है, द मोर यू ब्लेंड इट, अगेन द आर्ट ऑफ मेकअप इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग, अगर आप उसको ब्लेंड करना नहीं सीखेंगे तो समझ ले कि आप जो है मेकअप अच्छा नहीं अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट वी एम गोइंग टू डू इज कि मैं आपको इस तरफ जो है वो लिप्स को थोड़ा सा एनहांस करके दिखाती हूँ। ठीक है, सो आप देख रहे हैं हमने एक डार्क कलर पिक किया और बहुत खूबसूरत एक कलर, और उससे हमने उनकी होंठ का जो पहले आप एक अपनी नेचुरल शेप जो है आपकी उसमें आप लगा लें, जो एक शेप बना लें, और उसके बाद उसकी आउटर जो लाइन है मसरत आप उसको फॉलो करें, है ना, फॉलो करें, थोड़ा सा ऊपर इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमने इनके लिप्स को कहा था कि एनहांस करें, एनहांस करें, थोड़ा सा हमें बोटॉक्स इफेक्ट देना है जी, अगर आप लगवा लें तो बहुत अच्छी बात, लगवा लेना चाहिए वैसे अगर आपको जरूरत है, और अगर आपको लोएस्ट सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि लगवाने से आप अच्छा फील करेंगी तो लगवा लें, बिल्कुल लगवा, है ना, लेकिन अगर आपको लगता है वो चीज जो कि आप टू मेक यू फील गुड, दैट मेक्स यू फील हैप्पी गुड एंड, मगर कोई भी चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ आपके फीचर्स के को खराब ना करे, ठीक है, अच्छा, सो व्हाट वी हैव डन इज दैट अगर आप देखें तो ये इनकी नेचुरल लाइन थी और ये हमने इसको थोड़ा सा मोटा एनहांस किया, अच्छा अभी नीचे वाले लिप को थोड़ा सा और मोटा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और हम इसे बोटॉक्स लगा दें, सो ये वो नेचुरल तरीके हैं कि जिसके साथ वो जो कहते हैं आज तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं, तो उसमें एक दिन हमने अगर अपने लिप्स को नेचुरल शेप पर रखा है, अगले दिन हमने उसे थोड़ा सा एनहांस कर दिया, स्पेशली फॉर स्पेशल ओकेजन, जबकि आपने आपको पता है कि आप एक पोजिशन पे बैठेंगी, आपका आप कितना इसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, लिप्स जो है वो बिल्कुल फर्क लग रहे हैं, लग रहा है एक साइड जो किसी एक बंदे की है, दूसरी साइड किसी और की, आप इसको अगर आप थोड़ा सा कवर करके देखें तो आपको नेचुरली पता चलेगा कि ये है, ठीक है, ये साइड इस तरह है, इस तरह से है, सो लिप एनहांस करने से इतना फर्क पड़ता है फेस पे। अच्छा, इसलिए साथ ही मैं जैसे हमने थोड़ी सी जैसे कॉन्टोरिंग की बात हो रही थी, अब ये एक दुबला चेहरा है, जैसे है? आपने कहा कि आपके यू नो फेस है छोटा तो उसको और क्यों कॉन्टोर करें, तो जस्ट हिंट ऑफ कलर हेयर, ठीक है, और उसके बाद आपने क्योंकि ये ब्राइट है तो आपने इनको थोड़ा सा शाइनर लगा दिया, लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि एक तरह से वो एक ग्लो करता हुआ फेस जो है वो नजर आए, इसका इफेक्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने हल्का सा बिल्कुल पिंक कलर जो है जो ब्रश दीजिएगा, ठीक है, वो इनके चीक्स के ऊपर लगाना है, ठीक है, थैंक यू, पिंक कलर जो है जी वो हम इनके चीक्स पे लगाने लगे, उससे क्या होगा कि इनको पिंक लगाना चाहिए कि इनको पीच सिलेक्ट करना चाहिए, जी वैसे मैंने पीच सिलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि पीच के साथ जो थोड़ा सा मुस्कुराइए प्लीज और सिर्फ यहाँ पे टच करें प्लीज, और मैंने हल्का सा नोज के ऊपर कर दिया, रोजी चीक्स, ठीक है, ये हल्का सा कलर जो है वो ब्लेंड किया, ये देखिए सारी चीजें कॉन्टोर हुई हुई है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टोरिंग हुई हुई है, यहाँ पे हमने शेडो लगाया, नोज पे कॉन्टोरिंग हुई हुई है, यहाँ पर हमने लाइट किया,
ब्रिज ऑफ द नोज लाइट किया, ठीक है, और लिप्स जो है वो, अगर आप इनका इस तरह का फेस देखें, इस साइड का काइंडली ऐसे कर लें, तो ये पूरा का पूरा फ्रॉम द जॉ लाइन टू द चीक बोन्स टू द हाइलाइटर फोरहेड नोज एंड देन द लिप्स, ठीक है ना. और आप आईब्रोज देखें, इनकी आईब्रोज जो है वो थिक की गई है. लैश नॉर्मली दुल्हने लगाती हैं, ग्लिटर लगा दिया, और उसी हिसाब से अब ये दूसरी तरफ मुकम्मल करेंगी. तैयार देर में हम बिल्कुल से बालों को, अच्छा बालों की तरफ भी जाते हैं. यहाँ पे आपको बताते हैं हमने क्या किया. इनकी बेस चेंज की है हमने, बनाना चाहिए हमें लिप्स के जो ना डिफरेंट शेप्स, उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अगर आपके बारीक लिप्स हैं तो उनको आपने अगर चौड़ा करना है, ठीक है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन ना बनाए कि साफ नजर आए कि आपने कुछ किया करने की कोशिश की है, ठीक है. सो इट हैज टू गो नेचुरली. और वो क्या तरीका है? उसकी फिल इन करना जो है वो बहुत जरूरी होता जैसे है. जैसे इनके बारीक लिप्स अभी बने हुए हैं, हमने अभी हमने ये किया है कि इनके लिप्स के ऊपर एक, अब मैंने आपसे कहना है कि इसी लिप को मुझे थोड़ा सा एनहांस करना है, ठीक है. अच्छा, हमने नीचे लिप प्राइमर लगाया, ठीक है, लिप बेस लगा सकते हैं आप, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, ठीक है, आपका बजट जिस चीज की इजाजत है, ठीक है. प्राइमर एक्सपेंसिव होते हैं, लिप बाम आपको आराम से मिल जाएगा, आप कोई मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, सो देट आपके लिप्स पेट्रोलियम जेल ही लगा लीजिए, हल्का सा लगा, ठीक है. क्योंकि अगर आप मैट लिपस्टिक लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि ड्राई इफेक्ट देगी, जैसे कि आज मैंने लगाई हुई है और कितनी अच्छी लग रही है, थैंक यू. तो फिर आपको नीचे जरूरी है कि आप थोड़ा सा उसके नीचे मॉइस्चराइज करें, तो नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूं, क्योंकि जो मैट लिपस्टिक्स होती है वो स्टे ऑन करती है, ठीक है. और अगर लॉन्ग लास्टिंग मैट लिपस्टिक है तो उसमें फिर आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर इसको आप बहुत थिक लगाएंगे तो वो लाइने बन जाएंगी. ओके, ठीक है. द मोर यू ब्लेंड इट, अगेन द आर्ट ऑफ मेकअप इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग. अगर आप उसको ब्लेंड करना नहीं सीखेंगे तो समझ ले कि आप जो है मेकअप अच्छा नहीं अभी तक कर रहे हैं. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि मैं आपको इस तरफ जो है वो लिप्स को थोड़ा सा एनहांस करके दिखाती हूँ, ठीक है. सो आप देख रहे हैं हमने एक डार्क कलर पिक किया, ठीक है, बहुत खूबसूरत एक कलर, और उससे हमने उनकी होंठ का जो पहले आप एक अपनी नेचुरल शेप जो है आपकी उसमें आप लगा लें, जो एक शेप बना लें, और उसके बाद उसकी आउटर जो लाइन है नुसरत आप उसको फॉलो करें, है ना, फॉलो करें थोड़ा सा ऊपर, इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमने इनके लिप्स को कहा था कि एनहांस करें, थोड़ा सा हमें बोटॉक्स इफेक्ट देना है जी. अगर आप लगवा लें तो बहुत अच्छी बात, लगवा लेना चाहिए उसे अगर आपको जरूरत है, और अगर आपको लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि ये लगवाने से आप अच्छा फील करेंगी तो लगवा लें, बिल्कुल लगवा, है ना. लेकिन अगर आपको लगता है वो चीज जो कि आप टू मेक यू फील गुड, दैट मेक्स यू फील हैप्पी गुड एंड, मगर कोई भी चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ आपके फीचर्स के को खराब ना करे, ठीक है. अच्छा, सो व्हाट वी हैव डन इज दैट अगर आप देखें तो ये इनकी नेचुरल लाइन थी और ये हमने इसको थोड़ा सा मोटा एनहांस किया, ठीक है. अच्छा, अभी नीचे वाले लिप को थोड़ा सा और मोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और हम इसे बोटॉक्स लगा दें. सो ये वो नेचुरल तरीके हैं कि जिसके साथ वो जो कहते हैं आज तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, तो उसमें एक दिन हमने अगर अपने लिप्स को नेचुरल शेप पर रखा है, अगले दिन हमने उसे थोड़ा सा एनहांस कर दिया है, तो इससे स्पेशली फॉर स्पेशल ओकेजन, जबकि आपने आपको पता है कि आप एक पोजीशन पे बैठेंगी, आपका आप कितना इसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है. सो लिप्स जो है वो बिल्कुल फर्क लग रहे हैं, लग रहा है एक साइड जो किसी एक बंदे की है, दूसरी साइड किसी और की. आप इसको अगर आप थोड़ा सा कवर करके देखें तो आपको नेचुरली पता चलेगा कि ये है, ठीक है, ये साइड इस तरह है, इस तरह से है. सो लिप एनहांस करने से इतना फर्क पड़ता है फेस पे. अच्छा, साथ ही मैं जैसे हमने थोड़ी सी जैसे कॉन्टोरिंग की बात हो रही थी, अब ये एक दुबला चेहरा है, जैसे है? आपने कहा कि आपके यू नो फेस है छोटा, तो उसको और क्यों कॉन्टोर करें, तो जस्ट हिंट ऑफ कलर हेयर, ठीक है, और उसके बाद आपने क्योंकि ये ब्राइट है तो आपने इनको थोड़ा सा शाइनर लगा दिया, लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि एक तरह से वो एक ग्लो करता हुआ फेस जो है वो नजर आए, उसका इफेक्ट है, ठीक है. फिर उसके बाद आपने हल्का सा बिल्कुल पिंक कलर जो है, जी ब्रश दीजिएगा,
ठीक है, वो इनके चीक्स के ऊपर लगाना है। ठीक है, थैंक यू। पिंक कलर जो है जी वो हम इनके चीक्स पे लगाने लगे हैं। उससे क्या होगा कि इनको पिंक लगाना चाहिए कि इनको पीच सिलेक्ट करना चाहिए? जी वैसे मैंने पीच सिलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि पीच के साथ जो थोड़ा सा मुस्कुराइए प्लीज, और सिर्फ यहाँ पे टच करें प्लीज, और मैंने हल्का सा नोज के ऊपर कर दिया, रोजी चीक्स। ठीक है, ये हल्का सा कलर जो है वो ब्लेंड किया। ये देखिए सारी चीजें कॉन्टोर हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टोरिंग हुई हुई है, यहाँ पे हमने शेडो लगाया, नोज पे कॉन्टोरिंग हुई हुई है, यहाँ पर हमने लाइट किया, ब्रिज ऑफ द नोज लाइट किया। ठीक है, और लिप्स जो है वो, अगर आप इनका इस तरह का फेस देखें, इस साइड का काइंडली ऐसे कर लें, तो ये पूरा का पूरा फ्रॉम द जॉ लाइन टू द चीक बोन्स टू द हाइलाइटर forehead, nose and then the lips, ठीक है ना? और आप eyebrows देखें, इनकी eyebrows जो है वो thick की गई है, lash normally दुल्हने लगाती हैं, glitter लगा दिया, और उसी हिसाब से अब ये दूसरी तरफ मुकम्मल करेंगी थोड़ी देर में हम बिल्कुल से बालों की तरफ भी जाते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं हमने क्या किया, इनकी बेस चेंज की है हमने,